एथी अवार्ड फंक्शन का जलवा रहा लाजवाब। इस मेले में सितारे भी दिखे बेहिसाब। जी हाँ, ये शाम रही शानदार, जहाँ स्टार्स का दिखा अलग ही स्वाद, जिसमें कोई आया सिंगल तो कोई आया लेकर किसी को अपने साथ। तो चलिए देखते हैं इस अवार्ड को पाने में किसने मारी बाजी और किसे लौटना पड़ा लेकर हाथ खाली। 18th इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड्स में इस बार कई सितारों का रहा बोलबाला, जहां बेस्ट एक्टर फीमेल पॉपुलर अवार्ड मिला इश्कबाज गर्ल सुरभि चांदना को, तो वहीं इस कैटेगरी में मेल पॉपुलर अवार्ड मिला हर्षद चोपड़ा को, जिनको ऑडियंस ने दिया प्यार बेपना। तो वहीं बेस्ट एक्टर फीमेल जूरी अवार्ड अपने नाम कर गई सबकी प्यारी ईशिमा यानी दिव्यांका त्रिपाठी। तो वहीं बेस्ट एक्टर मेल कैटेगरी में जूरी का दिल जीता मोहित रैना ने। टीवी शोज में नेगेटिव रोल को ऑरेंज स्क्रीन पर जितना नफरत करती है, उतना ही इन्हें एक्टिंग के मामले में मिलता है भर भर के प्यार। ऐसे में आईटी अवार्ड फंक्शन में नेगेटिव रोल में बाजी मारी शोइश सुभान अल्लाह की रुखसार यानी शिपसी राणा ने। वहीं शो अलादीन नाम तो सुना होगा में विलन बने आमिर दलवी को बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल के लिए अवार्ड मिला। टीवी शो भाभी जी घर पर है में कॉमेडी का तड़का लगाने वाली अंगूरी भाभी ने लास्ट शो की तरह इस बार भी कॉमेडी की कैटेगरी में बेस्ट एक्टर का खिताब जीता। अंगूरी भाभी को इम्प्रेस करने में हर बार फेल होने वाले विभूति जी, लेकिन आईटी अवार्ड पाने में हुए पास, जिन्हें मिला बेस्ट एक्टर मेल इन कॉमेडी की कैटेगरी में अवार्ड। इस फंक्शन में शो कुल्फी कुमार बाजेवाला की कुल्फी यानी आकृति शर्मा को मिला बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड। तो वहीं जूरी की नजर में भी बेस्ट शो साबित हुआ शो कुल्फी कुमार बाजेवाला ही। इसके अलावा हाईएस्ट रेटेड शो का अवार्ड मिला शो नागिन थर्ड सीजन को। तो वहीं बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल फीमेल में बाजी मार ले गई जया भट्टाचार्य शो सिलसिला बदलते रिश्तों का के लिए। तो वहीं इस कैटेगरी में बेस्ट सपोर्टिंग मेल रोल का अवार्ड मिला अनूप उपाध्याय को फौजी जाजी छत पर है। बेस्ट रियलिटी शो में सुपर डांसर 2। तो वहीं बेस्ट म्यूजिक एंड फिल्म बेस्ड शो के लिए इंडियन आइडल को चुना गया और इसी शो के होस्ट मनीष पॉल को मिला बेस्ट एंकर का खिताब।